नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नाहरगढ़ कस्बे में आज ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह पर अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अंजुमन कमेटी के सदर डॉक्टर सगीर खान ने बताया कि कस्बे के तालाब स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे ईद उल अजहा बकरी ईद की नमाज मौलाना इमाम मोहम्मद अकरम द्वारा अदा करवाई गई और सभी ने अपने मुल्क के लिए अमन और चैन शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी और बाद में नमाज के सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और घर जाकर सभी ने कुर्बानियां दी जिसमें सभी अपने अपने खानदान के लोग मौजूद रहे। वहीं जामा मस्जिद के सदस्य शाकिर शेख रफीक मंसूर ने बताया कि ईद की तैयारी हमारी कमेटी के सदस्यों द्वारा एक दिन पहले कर ली गई थी। ईदगाह की साफ सफाई, टेंट, बाइक और पानी की माकूल व्यवस्था की गई थी जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी घनश्याम चौधरी, एसआई साहब सिंह, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल आसुराम हुड्डा, बनवारी लाल ऋषिकांत आदि मौजूद रहे। खबर समय जगत के लिए तहसील संवाददाता शमशाद खान रंगीला की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।